Hi, I'm Archana Puran Singh and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. कैसे टोटल धमाल जाएंगे? Hi sir. कैसे? कैसे हो? कैसे? आज मैं शपथ खाती है. मैं जो बोलेगी सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलेगी. क्यों? क्योंकि अजय सर को झूठ बर्दाश्त नहीं. कैसे इंदु जी? प्रोमो देख ली एकदम मस्त है. मजा आया? अरे सब एनिमल एनिमल लिए ना आप लोग. अच्छा आपने वो सिद्धू जी का शेर ले लिया, सिद्धू जी को क्यों नहीं लिया? सपना वो सिद्धू जी का शेर थोड़ी ना था, उन्हीं का है पक्का. कौन सा? जिस हिसाब से वो माधुरी जी के पीछे भाग रहा है इन्हीं का शेर है वो. कैसे रितेश? बस बिल्कुल ठीक. इतना मजे की लाइफ है ना इनकी. ये हम ही लोग है जो टाइम पास करने के लिए पैदा हुए. सच्ची बताइए. मतलब? मतलब क्या, हम लोग पैसे के लिए कितना काम करते, ये मस्ती करके पैसा कमाते. मस्ती ग्रैंड मस्ती, हम लोग को तो टाइम नहीं एंजॉय करने का, ये धमाल करते रहते. धमाल डबल धमाल, अभी देखो ना टोटल धमाल. तुझे बड़ा पता मस्ती और धमाल के बारे में है? हाँ तो मेरा डाउ बताते, मेरा नाला सुपर है वाला. कौन कौन? टिंकू. कौन टिंकू? अरे वही पल पल ना माने टिंकू जिया. हाँ. उसको बहुत मनाती रहती है, उसका धमाल मस्ती आपका बहुत देखेला मैं उसके साथ थिएटर में. खैर मेरे को काम था आपसे. जी. 28 फरवरी को आप मेरे को लगेंगे. क्या? लगेंगे मतलब हमारे उधर ना संगीत है लेडीज लोग का. टिंकू को लेके जाना. अरे नहीं टिंकू का है को, इनको सिंगिंग के लिए लेके जाने का उधर. नहीं तो तेरा झगड़ा हुआ उसके साथ? हाँ वो मेरी शादी नहीं ना, स्टेटस का प्रॉब्लम हो गया था. वो मैं स्टेटस डाली ना एंजॉयिंग विद 20 अदर्स, कभी लाइक ही नहीं करता है मेरे स्टेटस. खुद की टिंडे जैसी शक्ल है मेरी, जिंदगी को ब्लॉक करके रखा है उसने. तेरे रितेश तो गाना नहीं गाते. क्या बात कर रहा है, तेरे को मालूम नहीं इनका ले भारी है. अरे मैं टीवी में खुद ही देखी, खुद ही बोले ले थे ये कि माजा हाथ भारी लात भारी तुझा मायला सगड़ेत ले भारी ऐसा. अपना हमेशा फालतू की बात करती, काम की बात भी कर लिया कर कभी. काम की बात करूं? हाँ. सर यू नो अबाउट ग्लोबल वार्मिंग? घर पे कभी भी स्विच ऐसा एसी वैसी चालू रहता है स्विच बंद रखने का सर, तो ग्लोबल वार्मिंग का बहुत अच्छा रहता है. और टैप पानी वानी बंद रखने का. पानी काम की बात की, कोई हंसा क्या इधर? कोई हंसा क्या? कोई हंसा नहीं ना, कॉमेडी चलते रहने चाहिए. अच्छा मैं क्या बोल रही सर, अभी ना सर्दी के टाइम में आप किसी से हाथ वात मत मिलाना. क्यों? क्योंकि लोग ऐसा करते ऐसा करके ना हाथ भी धोते नहीं अच्छे नहीं लगते. और मैं बड़े बड़े लोग को देख लिया ऐसा करके ना ऐसा पोज देते इधर. मैं भी पहले ऐसे ही करती थी लेकिन अभी नहीं करती. अभी हाथ धोती है? नहीं दूसरे पे पोछती, अपना कपड़ा काहे को खराब कर रही. अपना ऐसे ही रहते. आज करने क्या आई है? अरे मैं एक मिनट आप लोग के लिए गिफ्ट, एक मिनट. सर वाह. पहली बार तूने ढंग का काम किया, पहली बार किसी को सम्मान किया इसने. सम्मान अम्मा नहीं, मैं शॉल बेचने के लिए आई ली थी. सम्मान तो इनका होता ही रहता है बड़े लोगे. शॉल का सीजन तो जाने वाला ना? हाँ तो जो जाने वाला है वो आने भी तो वाला है ना. तू आया ना एक साल के बाद. मैं है ना इधर लड़की बन के खड़े लिए ना. पैसा बहुत बड़ी चीज रहती है. क्योंकि क्या है सिद्धू जी, पैसा नहीं तो कंगाली और पैसा है तो ठोको ताली. अजय सर काश बोल बच्चन के बाद काम दे देते, आज शॉल नहीं बेचना पड़ता है. लेकिन बोल बच्चन में काम माइंड ब्लोइंग किया था. थैंक यू सर. इसका भाई था सर. सर ये देखिए कॉटन का शॉल है सर. ठीक है मुझे ठंड भी लग रही है. ये हमारे इधर ये सिल्क का भी शॉल है, ये देखिए क्वालिटी देखिए. हाँ ठीक है यार. हाँ मैं जूट का शॉल नहीं रखती. क्यों? बोला ना अजय सर को जूट बर्दाश्त नहीं है यार. अरे बेवकूफ, जूट मतलब
झूठ नहीं, झूठ बर्दाश्त नहीं है। हाँ तो मेरे को पता है, मैं हंसने के लिए बोल रही, कॉमेडी करने देना, काय को टोकते है सब बीच बीच में, अच्छा नहीं लगता है। रितेश सर जी, आप जिनेलिया भाभी के लिए दो लेकर जाइए, लीजिए, बहुत अच्छा है। सिद्धू जी तो छह लेकर गए मालूम में। क्या बात है भाजी, भाभी के लिए शेष हॉल, वाह। भाभी के लिए नहीं, पीछे छह लड़कियां बैठी उनके लिए लिए सपना मेरे को अभी तुमने मसाज का काम छोड़ दिया। अरे नहीं, सिमरन राज को छोड़ सकती है लेकिन सपना कभी मसाज नहीं छोड़ सकती। अजय सर हमारा इधर मसाज पार्लर है, आप लोग आइए कभी, हम लोग बहुत अच्छा, वी हैव न्यू डिटॉक्स मसाज। वाओ, कैसे करते हैं ये? क्या है डिटॉक्स मसाज में? कैसा, आदमी का हाथ पैर बांध देते और हमारे पास एक स्पेशल कोबरा है, उसको ऐसा जमान रहते हैं ना, उसको ऐसा टच करते सब जगह, ऐसा ऐसा ऐसा, जितना कचरा रहता है ना आदमी का, वो झाग बन के बाहर आता है, आदमी रिलैक्स। सपना पागल है वो, आदमी रिलैक्स नहीं होता, मर जाता है सांप के डसने से। क्या बात कर रहे ले? तो तभी मैं सोचू एक कस्टमर 5 दिन से क्यों रिलैक्स कर रहे हैं। अच्छा हमारे इधर मस्ती मसाज बहुत अच्छा रहता है। अच्छा हाँ, उसमें क्या होता है? वो ये बताएंगे, इन्होंने सबसे ज्यादा मस्ती की है, मैं क्या बताएगी। सपना उनको कोई मसाज नहीं करानी, जाओ अभी यहाँ से। अच्छा मैं पर्सनल बात करेंगी। हाँ। आप लोग का प्रोमो देखे लिए मैं, उसमें क्या आप लोग ऐसा 50 करोड़ रुपए के पीछे भाग रहे ले, ऐसे सब कुछ है ना? जी हाँ, बहुत अच्छा है, वैसे मार्केट में सब लोग को बहुत पसंद आ रहे ले। जी थैंक यू। अजय सर आपका सब पिक्चर 300-400 करोड़ तो रहते ही, आपका भी सब पिक्चर हिट है जी, आप देखना बहुत पैसा आने वाला है इस पिक्चर से। तो मसाज के लिए आए? नहीं मसाज के लिए नहीं, मैं ये बोल रही इतना जो आपको पैसा आ रहे है तो मेरे को 1 करोड़ रुपया दो ना। जब देखो पैसा मांगती रहती है। एक मिनट ये मुझे पता है, हमेशा पैसा मांगती रहती है, आज दे ही देते। दे दो सर, मैं लेके आया हूँ, आपके पास बहुत है, दे दो सर। लाओ बैग लाओ। क्या बात कर रहे, क्या बात कर रहे सर, सच्ची में इतने सालों से तो देखो मर गए हम मेहनत करते करते। इसमें तो आपका फोटो है, कौन से बैंक में डालने का? ये तो जावेद भाई और आप लोग का फोटो लगे इसमें। चलो सर ये तो नकली है, ये आपको एडवांस में दिया, फिर भी आपने प्यार से दिया तो मैं रखती है इसको। लेकिन जाने से पहले एक बात पूछने का था, बोल बच्चन इतना सुपर हिट हुई बाद में क्यों नहीं लिए पिक्चर में आपने? बट 100% बात सही है, आगे साथ में काम करेंगे। क्या बात है, बोल डाला, अब मैं आपके पीछे लग जाएगी हर शूटिंग पे, अगली पिक्चर भी साथ में करेंगे सर। इंदु सर की धमाल के बाद डबल धमाल, अब टोटल धमाल। सर टोटल धमाल जब आता है, मतलब टोटल आगे बढ़ते तो ऐसे लगता है कि इसके बाद खत्म, तो टोटल धमाल के बाद कुछ है इरादा कि धमाल विद इंटरेस्ट टाइप या कुछ ऐसा है? अच्छा वो, हाँ लेकिन मैं वो इधर स्टेज पे नहीं करना चाहूँगा, हम साइड पे चलेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। साइड पे जाके मतलब क्यों, मेरे को लेने का इरादा तो नहीं आपका? ऐसा ही मतलब कुछ है, कुछ है। हाँ जी, तो दर्शकों मैं आपसे यही बताना चाहता था कि मुझे भी फिल्में ऑफर होती हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा इस फिल्म में अजय सर भी को प्रोड्यूसर हैं साथ में, सर आप मर्जी से प्रोड्यूसर बनते कि आपका पेमेंट इतना भारी रहता है कि उनको बनाना पड़ता है साथ में? इस बार इन्होंने मुझे बेवकूफ बना दिया, बोला कि तू प्रोड्यूसर बन जा। अच्छा मैं बन गया, उसके बोलते अब काय के पैसे। ये स्कीम है इनकी, इन्होंने बोला अजय को तू प्रोड्यूसर बन जा, हाँ पेमेंट तू अपने आप को दे दे। अजय सर आपके साथ इंदु सर भी प्रोड्यूसर हैं, और अभी तो उन्होंने बताया कि गुजराती के साथ ईरानी भी हैं, कभी ऐसा हुआ है अजय भाई ये कि आपके पास आते हो कि यार वो देखो जावेद जाफरी अरशद वारसी भर भर के चिकन खा रहे हैं, बजट बढ़ जाएगा, ऐसा कभी हुआ है? चिकन आता था सेट पे। तूने खाया?
सर आप सब लोग इतनी मस्ती धमाल करने वाले लोग हैं, ऊपर से अरशद भाई हैं फिल्म में, जावेद जाफरी हैं, मिश्रा जी हैं, तो सर ऐसा तो हो नहीं सकता कि फिल्म बड़ी चुपचाप से शूट हो गई हो, धमाल तो मस्ती काफी होती होगी वहां पे भी, तो कुछ कैसे किससे मजेदार कुछ सुनाओ सर। हम लोग गाना शूट कर रहे थे, ये पैसा हाय अच्छा। पैसा, तो उस गाने के शूट के दौरान अभी क्या होता है ना कि एक एक पूरा स्टारकास्ट जमा हो चुका है वहां पर, अब हो गई डांसिंग कि सब लोग मिलके नाचेंगे। अच्छा, तो सब लोग अब कोशिश करें ये नाचेंगे वो नाचेंगे, और एक स्टेप थी करके दिखाते, एक स्टेप थी, अब कोरियोग्राफर था बोला कि सर क्या करना है, एक स्टेप राइट लेफ्ट शोल्डर अप डाउन, नहीं पहले सब ने सब प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ये अभी सब लोग प्रैक्टिस ये स्टेप कर रहे हैं, देन अजय कम्स, अनिल अनिल जी, अनिल जी, अनिल फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, उसके पहले अनिल कपूर, बैंड बजा दूंगा, बैंड बजा दूंगा सबके, बैंड बजा कौन है गाना, कैसे लग रहा है, कैसा है, हम लोग यंग यंग, हम लोग माइंड ब्लोइंग माइंड ब्लोइंग माइंड ब्लास्टिंग, कैसा स्टेप, कैसा है स्टेप, कौन सा है सर, ये स्टेप है, मर गया मर गया मैं, मर गया, ओके ये सब हो गया, सब सब रेडी रेडी रेडी, देन अजय कम्स, क्या स्टेप क्या है, तो सर ये स्टेप है, मैं दो हाथ नहीं करूंगा, कोरियोग्राफर नो प्रॉब्लम सर आप एक हाथ से करिए, तो क्या करना है, पैसा मैं शोल्डर नहीं करूंगा, नो प्रॉब्लम सर, सर आप एक हाथ से करिए, वो सिर्फ ये पैर इधर उधर गए, मैं पैर इधर उधर भी नहीं करूंगा, एक्शन ये सब हो रहा है, ये सब बहुत अच्छा रहा इंदु जी, ये क्या हो रहा है, ये सब लोग अलग अलग स्टेप क्यों कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं सर एक ही स्टेप है, अपने अपने स्टाइल से कर रहे हैं। वही चीज है सर, आप इतने सालों से इंडस्ट्री में, और जब आपका स्टाइल इतना पॉपुलर हो जाता है लोग देखना चाहते हैं, फिर अपने स्टाइल में आप जो भी करते हैं लोग आपसे प्यार करते हैं, तो स्टेप पे तो वो कोरियोग्राफर तो कराते, मेरे साथ अहमद खान साहब एक बार करते, तो मैंने किया, बोलते नहीं ये अच्छा नहीं है दोबारा करो, मैंने फिर दोबारा किया ट्राई किया नहीं हुआ, बोलते तुम्हारे लिए गलत है ये, मैंने कहा मेरा कुछ नहीं चल रहा, मेरा टीवी पे भी एक काम आता है, करियर आपका खराब होगा, मैं अगर कोई सिंपल सा स्टेप दो, अब वो साथ में एली एवरम थी, वो बहुत अच्छी डांसर है, मैं होता है कई बार, पर ठीक है सर, वही लव यू सर। हेलो हाउ आर यू सर? आई एम गुड, हाउ आर यू? हेलो सर, हाय हाउ आर यू? तू प्यार करते करते थक गई पर वो नहीं माना, थैंक यू सो मच सर। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम गुड थैंक यू। मुझे भी हेलो कर ले, मैं हाथ गंदे कितनी बार कहा सीधी सीधी एंट्री लिया करना, आज की आई, तुझे पता नहीं है, किसने बताया नहीं, तू बड़ा गंदा डांस करती है। सिद्धू पाजी। हाँ जी। इश्किया मौसम एक अर्ज किया है। हाय 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 हाय। वाह क्या बात है। फूलों की महक जैसे हैं हम, कोई पहचाने तो सही। वाकई वाकई काबिले तारीफ। फूलों की महक जैसे हैं हम, कोई पहचाने तो सही। काबिले तारीफ। दिल क्या चीज है, जान भी दे दे कोई माने तो सही। वैसे ये खास कप्पू तुम्हारे लिए। तो स्वीट कितने का लगाया? एक्सक्यूज मी, तुम्हें मैं बलून बेचने वाली दिखती हूँ? नहीं लगती तो नहीं, तू पक्का चुरा के लाई कहीं से, किसके चुराए हैं? कप्पू कभी तो कुछ तो ढंग का सोच लिया करो। सर देखा आपने, रात भर मैंने गुब्बारे फुलाए और ये खुद मुंह फुलाए बैठा हुआ है यहाँ पे। अगर ये ढंग का सोचता तो यहाँ थोड़ी होते। गुब्बारे फुलाना कौन सी बड़ी बात है सर, इतने बड़े इसके होट है, छे छे एक साथ फुला लेती है। और बड़ी बात ये, दो तो नाक से भी फुला लेती है ये। रितेश कोई कैसे नाक से फुला सकता है, लाइक सीरियसली। मैंने खुद देखा परसों, उसको जुकाम था, दो गुब्बारे फुला के घूम रही। देखो कप्पू, मैंने ना बहुत प्यार से तुम्हारे लिए गुब्बारे फुगाए, तो कभी इन गुब्बारों को ना कान में लगाओ, इनमें भरी जो सांस की आवाज आएगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगी। वाह चोर चोर चोर। ए मेरे गुब्बारे लेके क्यों भागी? देखा मैंने कहा था ना। एक सेकंड, क्या भागी मतलब? अरे मैं भागती थी, पकड़ नहीं लेता मुझे।
तुझे देख के लगता है वो भाग सकता है तेरे पीछे? अरे सर ऐसी बात नहीं है, भाग तो मैं सकता हूँ, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, इसके पीछे कौन भागेगा भला। भूरी गुब्बारे दे वापस उसके, और जितनी तुम्हारे में हवा भरी ना तो गुब्बारे छोड़, बीन बैग फुलाया कर। पक्का मैंने पहली बार देखा है कि गुब्बारा गुब्बारे बेच रहा है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.